दोस्तों श्रेयस अय्यर तो भैया उनको पता चल गया भाई टीम में तो जगह नहीं है, तो अपना स्वैग क्यों हम छोड़ें, स्वैग के साथ ही हम अपना करियर खत्म करेंगे टेस्ट करियर का। तो वही चीजें करा यार, कोई सनग्लासेस, वो भी ब्लैक सनग्लासेस लगा के बैटिंग करने आता है यार, जीरो पे आउट हो गए। फिर वो देखो जीरो पे आउट तो बहुत बैट्समैन बहुत खिलाड़ी हो जाते हैं, लेकिन जो इस तरह से स्टाइल में हो जाते हैं तो यार ये चीजें एटीट्यूड दिखाता है यार उनका। तो तभी तो बीसीसीआई और उनकी बनती नहीं थी, उनके में एटीट्यूड इतना भरा पड़ा है ना कि उनको बाहर में जाए उनकी टीम कैसे परफॉर्म कर रही है, बाहर में जाए उनका फॉर्म क्या है, रन क्या मारना, रन तो उनको मारने से मतलब ही नहीं है, बाहर में जाए रन कौन मारता है, हमें तो अपना स्टाइल स्वैग करना है। तो श्रेयस अय्यर का ये स्वैग वाला स्टाइल ही ना उनको ले डूबा है, पूरा उनका करियर जो उनका खत्म हुआ है ना, वरना वो उनमें टैलेंट था, खिलाड़ी बहुत बढ़िया थे वो, लेकिन उनमें जो एटीट्यूड आ गया था ना कि भैया मेरे को तो फॉर ग्रांटेड हो गए थे कि मुझे तो टीम में रखना ही लेंगे ही लेंगे, और जब केकेआर की तरफ से वो कप्तान ही थे और चैंपियन बनाया अपनी टीम को, और एटीट्यूड आ गया उनमें। अबे वो अच्छे खिलाड़ी हैं, अपने क्रिकेट पे फोकस करने से ज्यादा वो अपने एटीट्यूड और अपना इन चीजों में फोकस किया, तभी उनका करियर ऐसा हो गया यार। सनग्लासेस पहन के कौन आता है, वो भी ब्लैक सनग्लासेस पहन के बैटिंग करने आए। एक स्पेक्स होता है ना जो पहन के आते हैं तो खिलाड़ी, उनको मजबूरी होती है, लेकिन ये कैसी मजबूरी, स्वैग अपना दिखाना, अपना एटीट्यूड दिखाना, अपना वो दिखाना। तो इसलिए वजह से ना इन चक्करों के चक्कर में ही ना श्रेयस अय्यर का जो क्रिकेट करियर है ना वो बिल्कुल ही डाउन जा चुका है। अब मेरे को नहीं लगता कि टेस्ट क्रिकेट में श्रेयस अय्यर की वापसी भी होगी, अगर अगर ऐसे ही खेलते रहे, ऐसे ही एटीट्यूड दिखाते रहे। मेरे को अब लग रहा है कि डोमेस्टिक भी नहीं खेलेंगे, डोमेस्टिक मजाक कर रहा कप्तान है यार वो, इन्होंने मजाक बना दिया, श्रेयस अय्यर ने पूरे कप्तानी का, पूरे क्रिकेट का मजाक बना दिया, ऐसा चीजें शोभा नहीं देती यार। डोमेस्टिक में आप कर रहे हो तो आप इसलिए आपको क्यों लेंगे सेलेक्टर, कि आप इंडियन टीम में जाके भी ऐसी हरकतें थी आपकी, एटीट्यूड दिखा रहे थे और बोलते थे मुझे टेस्ट क्रिकेट में 30-40 बॉल के बाद कमर में दर्द हो जाता है, ये हो जाता है, बहाने आपके पास 100 हैं, एनसीए में जाके ट्रेनिंग नहीं करनी आपको, डोमेस्टिक नहीं खेलना आपको, आपको करना ही क्या, आपको सिर्फ आईपीएल ही खेलना है। मेरे को लग रहा है इसी वजह से ऐसा हो रहा है, आईपीएल जब से आया है तब से कई खिलाड़ी को एटीट्यूड भी आ गया कि आईपीएल के तो हम हीरो हैं, भारतीय टीम में तो हम आएंगे आएंगे आईपीएल में परफॉर्म करने के बाद, आईपीएल परफॉर्मेंस देखी जाती है क्या? तभी तो इनको श्रेयस अय्यर को ओडीआई में भी क्यों लिया था, अभी मेरे को समझ ही नहीं आता। इनका तो भैया स्वैग के चक्कर में इनका पूरा क्रिकेट करियर इनका दांव पे लग गया है। अब यार ये जो हरकत करी है इन्होंने दिलीप ट्रॉफी में, ये हरकत तो और भी ज्यादा बेकार थी ना। आप कप्तान है, आपकी टीम मुश्किल में फंसी हुई थी, आप गए ऐसा स्वैग दिखाया और जीरो पे आउट हो गए, और भी इस ये वाला मैच भी श्रेयस अय्यर की टीम हारने वाली है, पहला मैच भी हार चुकी है, तो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब देखना तीसरे मैच में तो बाहर हो जाएंगे, किसी और को कप्तानी मिल जाएगी, उन बंदे पे प्रेशर आ जाएगा, श्रेयस अय्यर तो निकल जाएंगे पतली गली से। तो वही चीजें है ना यार, श्रेयस अय्यर ने अपने एटीट्यूड के चक्कर में ना पूरा अपना करियर खराब कर लिया, बर्बाद कर लिया, बीसीसीआई से पंगा लिया, कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से निकल गए। तो वही चीजें इनको समझनी पड़ती है यार, लेकिन पता नहीं क्या ही इनके दिमाग में चल रहा है श्रेयस अय्यर के। तो वही चीज स्वैग के चक्कर में, स्वैग से स्वागत करने के चक्कर में आपका ही मतलब एग्जिट हो गया, आपका स्वागत क्या एग्जिट हो गया आपका तो पूरा। तो वही चीजें हैं यार। देख दोस्तों आपका क्या कहना है श्रेयस अय्यर के बारे में, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।